नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान विधानसभा में आधा दर्जन बार विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि शून्यकाल के बाद हो रही चर्चा में सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों की संख्या सदन में कम हो जाती है। कई बार तो सदन में इक्का दुक्का मंत्री और कुछ ही कांग्रेस के विधायक मौजूद रहते हैं। इसे लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाने पर आसन की ओर से भी बार बार सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को यह कहा गया है कि सदन में उपस्थिति को देखें। ऐसे में अब सदन से गायब रहने वाले कांग्रेस विधायकों पर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान पूरे समय सदन में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कांग्रेस के सभी विधायकों को चिट्ठी लिखकर पूरे समय उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चिट्ठी के जरिए विधायकों को चेतावनी भी जारी की और अगर कोई विधायक बिना बताए सदन की कार्यवाही से गैरहाजिर रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतें जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी विधायकों को पत्र लिख दिया है। जोशी ने पत्र में सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों के मौजूद रहने की बात कही है और अनुदान मांगे पारित होने तक कोई भी सदस्य सदन के बाहर नहीं जाए, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए भी लिखा गया है। जयपुर हाल ही में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जिम्मेदार मंत्री और पीसीसी पदाधिकारी ने सीएम से मुलाकात कर चर्चा की थी। शुक्रवार को सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पहले सहाड़ा और फिर वल्लभ नगर क्षेत्र में आए प्रतिनिधि मंडल से चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत की। पहले सीएमआर में सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रभारी मंत्री रघु शर्मा के नेतृत्व में करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल सीएम में मिला। इस दौरान सहाड़ा में दिगंबत एमएलए कैलाश त्रिवेदी की पत्नी, बेटा मोनू और उनके भाई समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मुलाकात करके चुनावी तैयारियों पर मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने एकजुट होकर जीत हासिल करने का मंत्र देने के साथ अन्य दिशा निर्देश दिए। रघु शर्मा के साथ ही धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा भी रहे मौजूद। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के आए करीब 50 से 60 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल की भी सीएम से मुलाकात कर उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भी मौजूद रहे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।